नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान किए गए हैं, उसमें से अंतिम अनुच्छेद है और इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। 22 का खंड 1 और 2 में ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 में निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है, अर्थात अनुच्छेद 22 के अपवाद हैं। सामान्य दंड विधि के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 के तहत संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये संवैधानिक अधिकार क्या हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने रुचि के वकील से परामर्श करने तथा अपने पक्ष में सफाई दिलवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसके निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए। इसमें वह समय भी शामिल है जो गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के रास्ते में लगता है। संसद लेकिन 22 से 7 में यह कहा गया है कि शत्रु देश के नागरिक व निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। और निवारक निरोध विधियां क्या होती हैं कि संसद द्वारा पारित ऐसी विधियां जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर सकते हैं। तो शत्रु देश का व्यक्ति या निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार होने पर संरक्षण की मांग तो कर सकता है, लेकिन यह संसद की विधि के अधीन ही होगा कि उसे क्या अधिकार दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। संसद ने निवारक निरोध विधियां बनाई हैं समय समय पर, और जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 तथा साथ ही पोटा 2002। निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को 2 माह से अधिक सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई राय के आधार पर निरुद्ध रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के कारण जान सकता है वो अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर तथा सलाहकार बोर्ड द्वारा तय की गई कार्यवाही के आधार पर उसे संवैधानिक संरक्षण दिए जा सकते हैं। जहाँ तक कोटा का सवाल है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कोटा को जो है पारित किया गया, इससे पूर्व टाडा था, जो कि 23 मई 1995 को टाडा की अवधि नहीं बढ़ाई गई और टाडा की समाप्ति के उपरांत बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पोटो 1 जारी किया गया। और 25/10/2001 को जारी पोटो की अवधि 30/12/2001 को समाप्त हो गई थी, इसीलिए संसद में पोटो के विरोध के बावजूद 31 दिसंबर 2001 से पोटो 2 को पुनः लागू किया गया और 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर पोटो को कानून के रूप में पारित किया गया, जो कि पोटो जो है कानून के बाद पोटा बन गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया। पहले वो ऑर्डिनेंस था, बाद में एक्ट बन गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि निवारक निरोध विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है। निवारक निरोध विधियों के उपबंधों से स्पष्ट है कि निरोध आदेश की शक्ति कार्यपालिका को तो प्राप्त है, लेकिन कुछ स्थितियों में निवारक निरोध विधियों की विधि मान्यता की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22 के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जैसे एके राय बनाम भारत संघ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसके साथ ही एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यह भी महत्वपूर्ण निर्णय है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि निवारक निरोध के संदर्भ में ये प्रकट किया है कि बेमेल होते हुए भी तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित अपेक्षाओं के प्रतिकूल होते हुए भी ये उन समाज विरोधी और विनाशकारी तत्वों द्वारा जो गणराज्य के हितों को खतरे में डाल जा सकते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये रखना ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 22 के तहत निरुद्ध व्यक्तियों को जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी उसके गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। उच्चतम न्यायालय ने जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी मार्गदर्शक सिद्धांत निहित किए हैं, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अवैध व मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर सके। तो इस प्रकार गिरफ्तारी की युक्तियुक्त औचित्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य विधि के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे अनुच्छेद 22 के तहत अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर कोई शत्रु देश का नागरिक है और निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार होता है, अर्थात अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके लिए पृथक अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 तक जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत संसद द्वारा निर्धारित विधि के तहत उसे जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 22 का आप अध्ययन करें और इसमें कोई दिक्कत हो तो उसे हम उस पर बात करते हैं। थैंक यू।